हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा, जिसके लिए चाहिए ब्रेड, दूध, चीनी, केसर एंड इलायची। और हम जो ये ब्रेड है, इसके जो कॉर्नर्स हमने अभी कट कर दिए, और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन कलर में। फ्राई होना चाहिए। अभी ये फ्राई हो चुकी है लाइट ब्राउन कलर में। लाइक दिस। तो हमारी ये ब्रेड फ्राई हो चुकी है, तो हम इसमें डालेंगे चाशनी बनाएंगे हम इसकी। हम बनाएंगे दूध के साथ। दो ग्लास दूध के लेंगे। आप लोग पानी की बनाते होंगे, तो हम बना रहे हैं दूध की। एंड अब हम इसमें डालेंगे चीनी। वन ग्लास ऑफ शुगर। तो हम इसमें डालेंगे केसर एंड इलायची। दूध में डालेंगे जो हम चाशनी बना रहे हैं। जो हमने चाशनी बनाई थी दूध वाली, तो उसको बॉयल आ गया, तो हमने गैस बंद कर दी है। जो मैं ये ब्रेड फ्राई की थी, तो दूध में डाल के इसको बाहर निकाल देंगे। लाइक दिस, इसको ऐसे करके बाहर निकाल देंगे। तो हमने डिप करके लेने के बाद ये ब्रेड ऐसे ही निकली दूध में, जब चाशनी से निकाली। तो अभी गैस बंद है, अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड, 1 स्पून ऑफ कस्टर्ड। थोड़ा सा दूध लिया है, इसमें 1 स्पून कस्टर्ड डालेंगे। जो हमारा चाशनी वाला दूध था, हम इसमें ही कस्टर्ड डालेंगे एंड इसको अच्छे से हिलाएंगे। लम्स में ही बनने चाहिए, क्योंकि अभी जो थोड़ा सा दूध गर्म है। तो अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड का हमने चूरा किया हुआ है। इसको लो फ्लेम पे हिलाते रहना है। तो ये बॉयल हो चुकी है, 15 से 20 मिनट तक लगे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे, वैसे तो 1 कटोरी मलाई की है, तो हम आधी डालेंगे।
जो हमने रबड़ी बनाई थी तो अब उस हमने उसको फ्रिज में रख दिया था, अभी वो ठंडी हो गई है। तो हमने इसमें लिए 2 स्लाइस ब्रेड के जो हमने फ्राई किया था, जो हमने चाशनी में डाल के उसको डिप करके रख दिया था। तो हम इसमें ऊपर डालेंगे रबड़ी। तो इसकी हम अच्छे तरह से कोटिंग करेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे कैश्यू। आप कुछ भी डाल सकते हो और ये रेडी है। आप इसको फ्रिज में रख के तो यू कैन ईट, इट्स रेडी।